अरे योगी तो हमारा राम है, हम राम के दर्शन के लिए आए हुए हैं। का तो भगवो का तो भोगवो, हमको सनातन धर्म चाहिए और सनातन धर्म मोदी जी लाएंगे। महंगाई चलेगी लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। बुलडोजर काफी चले और अच्छी जगह चले, अभी बुलडोजर जो है बेरोजगारी पे चल जाए और महंगाई पे चल जाए तो भी अच्छा होगा। 10 वैकेंसी में 10 लाख बेरोजगार पड़े, सबको रोजगारी थोड़ी ना दे सकते हम। वो जो आर्मी में खर्चा होता है ना, वो पूरा देश को खोखला बनाता है, इसलिए महंगाई बढ़ता है। पेट्रोल फ्री में नहीं आता है, सरकारी गाड़ियां फ्री में चलती है। गुजरात में ताना चाहिए, गुंडागर्दी हो रही है गुजरात में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार शाम सूरत में रोड शो करने पहुंचे। यहां उन्होंने 8 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में मौजूद रहे। हम यहां मौजूद समर्थकों से हमने पूछा कि वो योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं, तो सुनिए वो उनसे क्या कहना चाह रहे थे। योगी जी, हम ये कहना चाहते हैं कि वो सब गरीब नागरिकों के सब लड़कियों को अच्छी शिक्षा दे और सबको 2 टाइम का खाना मिल रहे ऐसी कोई सुविधा करे और सबको राशन कार्ड की सुविधा अच्छे से मिले। ये सब और बहुत कारण है जो योगी जी कहना चाहते हैं। अभी नहीं मिल रहा है, अभी मिल रहा है लेकिन सबको नहीं मिल रहा है। हम तो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बना दो, मोदी जी को बोल रहा है, योगी जी को और मोदी जी को दोनों बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? बस हमारा सनातन धर्म, अखंड भारत। महंगाई कुछ भी हो, महंगाई चलेगी लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। उनसे मांग क्या है, वो नेक्स्ट 2029 में हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, जरूर से बनेंगे। अमित शाह जी नहीं बनेंगे, अमित शाह 2000 बीजेपी का होना चाहिए। सब लोग एक ही है, योगी जी बने, अमित शाह बने, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि 2029 में योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। योगी तो हमारा हृदय सम्राट योगी है, इसमें कुछ कहना नहीं है। वो हमारे गुजरात में आएगा, हम उसका हृदय पूर्वक स्वागत करेगा और योगी है ना, वो गुजरात का वो निकाल करेगा। योगी हमारे गुजरात में, गुजरात हमारे सोना की मूर्त है, इसमें सभी लोग आते हैं। अरे योगी तो हमारा राम है, हम राम के दर्शन के लिए आए हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि आज उमिया धाम मंदिर में हम राम के दर्शन करेंगे क्या, और आने वाले समय में योगी ही पीएम रहेंगे और हम योगी को ही चाहते हैं और किसी को नहीं बनाएंगे पीएम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमें बस हमारे हिंदू धर्म से मतलब है और मैं ये गारंटी देता हूँ कि 5 से ज्यादा सीट आपकी नहीं आएगी, फिक्स। आपके लिए हिंदू धर्म क्या है? आपके लिए हिंदू धर्म क्या है? बस राम मंदिर मनवाए, कितने सारे कार्य किए बीजेपी ने हमारे लिए और पूरी जगह भगवा, तो ये क्या है? आप क्या करते हैं? मैं सीएस में, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, सीआईएस। आप फोर्स में, अर्धसैनिक बल में हैं और यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? यस सर, आज ही मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में रोजगार और महंगाई को मुद्दा बना रही है। वे इसी आधार पे वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ आए कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं की माने तो राज्य में महंगाई नहीं है और रोजगार की कोई समस्या नहीं है। सुनिए महंगाई और रोजगार को लेकर वे क्या कहते हैं, उनकी क्या है राय। महंगाई का कोई इश्यू ही नहीं है गुजरात में, बेरोजगारी का भी कोई इश्यू नहीं है, बराबर है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, कमाई ही इतनी है कि महंगाई दिखती ही नहीं है। महंगाई है, महंगाई तो हर अभी आप देखो ऑस्ट्रेलिया की महंगाई इधर देख लेती है, न्यूजीलैंड की देख लीजिए, फ्रांस की देख लीजिए, इटली की देख लीजिए, उनसे बराबर अपनी कम है। इंडिया की महंगाई दर कम है अभी। ऐसे कहते हैं ना भारत में कि हम अपने पड़ोसियों का दुख देख के अपना दुख कम मानते हैं, ऐसी वाली बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब तक मोदी जी बैठे हैं तब तक तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं, और हमको हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है और विश्वास के ऊपर हम दृढ़ता से चलते हैं, हम सामना करेंगे महंगाई का, उसकी कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। योगी जी से कहिएगा इस बार जो है बुलडोजर काफी चले और अच्छी जगह चले, अभी बुलडोजर जो है बेरोजगारी पे चल जाए और महंगाई पे चल जाए तो भी अच्छा होगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारे पास मोदी है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास मोदी है, हमारा कुछ मुफ्त नहीं चाहिए। वो हमारा हीरा है गुजरात का और भारत देश का। पेट्रोल 100 रुपए हो गया बाबा, 150 रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया तो भी चलेगा, हमारा नहीं चाहिए। वो केजरीवाल नहीं चाहिए, दिल्ली का चोर नहीं चाहिए, हम स्वतंत्र है ना सब। क्या बाकी जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं, वहाँ लोग गुलाम है? गुलाम एक तरह से गुलाम जैसे ही है, और क्या है,
गुलाम देश है। भारत गुलाम देश नहीं है, जहाँ पे मोदी जी का देश है भारत। आप मतलब महिला हैं, आप सब्जी का गैस का ज्यादा ख्याल रखती होंगी पुरुषों की तुलना में। गैस काफी महंगा हो गया, सब्जी भी महंगी हो गई। कोई नहीं, चलेगा चलेगा सब चलेगा। महंगाई तो कुछ बड़ी नहीं है, ये अपनी सोच है। मोदी जी ने जब 13 साल पहले गुजरात के जब सीएम थे तब कहा था कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है, फिर अपने आप को बदलना है, फिर देश को बदलना है। आज वही सोच पे कायम रहे लोग और मोदी जी को आज पीएम बनाए हमारे गुजरात के गुजराती ने, हमारे काठियावाड़ी ने और प्रांत प्रांतियों ने उन्हें बनाया है। इसीलिए आज मोदी साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं। काम क्या करते हैं आप? मैं एक आम आदमी हूँ। महंगाई बोल रहे हैं लेकिन कोई महंगाई नहीं है। 2010 से पहले सिलेंडर साल में 6 सिलेंडर मिलते थे, लेकिन वो टाइम में 1500 बिकते ब्लैक में, लेकिन अभी 1000 रुपया है, फिर भी अपने को चाहिए जितना मिलता है सिलेंडर। सबसे सुविधा अच्छी, पैसा लगता लेकिन सुविधा भी बढ़िया मिलती है, ये कहना चाहता हूँ मैं। ऐसा गरीबों के पास पैसा होगा कि वो भरवा लेंगे? गरीबों के लिए सब्सिडी मिलती है, उनके लिए कहाँ मिलनी, सब्सिडी खत्म मिल रही है, उनको मिलता है सिलेंडर। सब्सिडी मिलता है जी? नहीं मिलती है सब्सिडी, नहीं मिलता सब्सिडी, नहीं मिलता, झूठ है, सब झूठ है। सब्सिडी मिलता? नहीं सब्सिडी नहीं मिलता। आपके सामने ही कहना सब्सिडी नहीं मिलता? मिलता, हमारे को मिल रहा है, मेरे पास अभी भी आई रही है। मैं बता दूं आपको, बोलो आपको सब्सिडी मिलता है? हमें सब्सिडी पता ही नहीं क्या है। यहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि महंगाई और रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। हमने उनसे पूछा कि आप सरकारी कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ते, तो उन्होंने कहा कि उसकी हालत खराब है। जब हमने उनसे पूछा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को बता दिया। मैं पढ़ाई करता हूँ। क्लास में? कॉलेज TY। सरकारी में पढ़ते हैं, प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसीलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है, बढ़िया एजुकेशन नहीं है। हाँ बढ़िया एजुकेशन नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है, अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है, सरकार है, दूसरा कौन है? सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है 27 साल। बीजेपी सरकार की इधर तो वो जिम्मेदार नहीं है। कौन कहता 27? बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। तो कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो क्या कॉलेज है? इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। अरे आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते अभी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो लगभग 2 घंटे चला। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए, वहीं कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। रैली हो रही है यहाँ पे और ट्रैफिक बंद कर दिया है सब सब के सब जगह, आधे घंटे सब ऐसे ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, जो भाजपा का खेस पेश कर जा रहे हैं उसको जाने दे रहे हैं। आम जनता को परेशानी हो रही है, पेट्रोल फ्री में नहीं आता है, सरकारी गाड़ियां फ्री में चलती है, ये तानाशाही है गुजरात में, तानाशाही है, गुंडागर्दी हो रही है गुजरात में, ये नहीं सहन की जाएगी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इधर जा रहा हूँ सवाणी में, मुझे जाना है, मेरा पापा 2 घंटे से मेरा वेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल का काम है, मुझे जाना है। हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं देख रहे हैं आप, और ये लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले जो भाजपा का खेस पहन के जा रहे हैं उसको जाने दे रहे। 4 गाड़ियां उधर से गई, ओ भाई ने भाजपा का खेस पहना है, देख लो आप अपनी आंख से, 4 गाड़ियां ऐसे वहां से जाने दी गई है, क्या है ये, क्या है ये? मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।